अभी और आगे इसका ऑपरेशन। ऐसे तो मैं काफ़ी इसमें स्टेप वाइज बहुत सारे वीडियो डाला हूँ, एक मैं इसका भी डालूँगा, गैर सॉफ्टिंग का प्रॉपर्टी ऐसे इंस्टॉल कर। और इस मशीन में कभी भी ध्यान रखूँगा इसका जो ऑयल पम्प कैसे वर्क करता है, क्योंकि आजकल ऑयल पम्प इसका जो है इसका वैक्यूम सिस्टम होता है, कंप्रेसर सिस्टम, कहाँ से एयर जाता है, एयर प्रेशर करके इसमें एयर और वो खींचते रहता है हल्के हल्के मात्रा में, और यहाँ पे ऑयल का स्टोर होता है कैप सिस्टम, उसमें वो स्टोर करता है, जहाँ भी उसका डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम लगा है वहाँ से आते रहते हैं। इसमें हाई स्पीडली कोर लॉक में ऐसे अभी ग्रूस वगैरह जैक वगैरह में जो मोटर्स होती है उस टाइप का मोटर नहीं है इसमें, इसका मोटर वेरी सिंपल है। ये इसका सॉफ्टिंग से मिला हुआ, सॉफ्टिंग में पहले आया तो वो काम करना भी बंद कर देता है। देखो यहाँ पे ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पे, अब इसका पिस्टन का काम करता है, मैं आपको बताता हूँ कुछ सिंपल सी बात का। ये देखो ये पिस्टन होता है, स्प्रिंग होता है, इस पर लगाना पड़ता है बस उसको, तो है ना बात। यहाँ पे आपने देखा होगा हमेशा यहाँ पे एक स्क्रू रहता है, ये मैं देख लेता हूँ पहले, हाँ लंबा है सर, घूमना नहीं चाहिए तो और अच्छा है जो उसके ओरिजिनल साइज में। ये ऐसा दबा रहता है, अब मशीन जब चलती है तो नीचे पर वो पिस्टन होते रहता है, उससे क्या होता है ये एयर का डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम वहाँ पे दिया हुआ है, वो एक तरह से आयल जाता है एक तरह से, तो यहाँ से भी क्या है वो मिलते जाते रहता है, तो आयल एयर के प्रेशर से वो बाकी जगह आयलिंग का डिस्ट्रीब्यूटिंग होते रहता है ना। गजब का इनोवेशन, ये आज से 50-100 साल पुरानी टेक्नोलॉजी आज की नहीं है, जब ये नया नया इनोवेशन, अभी तो अलग आ गया और भी आयल काफ़ी ईजी हो गया है अभी, ये पहले का ईजी चीज जो अभी तक के इनमें मेन सॉफ्टिंग में 10-10-20-20 साल से चलती है, इनका सॉफ्टिंग कभी प्ले नहीं होता है। तो ये चीज़ें हैं, गजब गजब की चीज़ें हैं जिनको समझना पड़ता है, और काफ़ी बेहतरीन है ये, तो है दोस्तों। ये है दोस्तों, हमने मशीन को फ्री तो कर दिया है, और मशीन काफ़ी अच्छी जब बन जाएंगे तो मैं आपको ज़रूर चला के दिखाऊंगा। ऑलरेडी मेरे पास एक मशीन रखी है, इसी में रख के मैं चला के आपको दिखाऊंगा, तो देखते हैं क्या बेस्ट कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों, हमने कर दिया है। अब देखो ऑयल पैड का मैंने कैसे कनेक्टिविटी को बताया था मैंने कि ये इसका कनेक्टिविटी मैं इससे भी कर रहा हूँ, और इसका कनेक्टिविटी इससे भी कर रहा हूँ, तो ये मैंने देखो ये भी गैर भी इंस्टॉल कर दिया है, ये सारा चीज़ इंस्टॉल कर दिया है प्रॉपरली, ये भी अंदर से डाल दिया है बढ़िया प्रॉपरली, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिंग हो गया है ये, तो इस तरह से हमने बना दिया है। तो ये मैं अभी कवर लगा दूंगा, ये कवर देखो ये हमने पूरा, ये देखो ये पूरा हमने प्रॉपरली कर दिया है इसके ऊपर। ये ऐसा रहते हैं, रहने से क्या होता है गियर फास्ट भी घूमता है तो ऊपर आयल लीकेज होगी, इधर नहीं है, काफ़ी टेक्निकली अच्छा है ये, ठीक है। दूसरा मैंने इसमें रॉड भी इंस्टॉल कर दिया है अपना, ये फ्रेम भी इंस्टॉल कर दिया है, और इसमें जो प्ले था वो प्ले भी निकल गया, यानी टेक्निकली इसमें प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम था इसमें इसका बहुत दिन से इसका भेजी गैपिंग आ गया होगा, हिल गया होगा, तो ये हमने इंस्टॉल किया तो ऑटोमेटिकली वो फिक्स बैठ गया। दूसरा इसका ब्लेड में प्रॉब्लम होता था, अब ये ब्लेड देखो ये इशारों से नीचे ऊपर हो रहा है, सिर्फ यहाँ से मैं देखो घोड़े को कर रहा हूँ और उससे हो रहा है, मैं ये पार्ट को हाथ में लगाया देखिए, तो ऐसा फ्री इंस्टॉल होना चाहिए। अगर ये जाम हो रहा है देखो ये ऑटो, अभी मैंने स्प्रिंग लगाया नहीं हूँ, ऊपर आ रहा है हल्का सा, सिर्फ ये देखो यहाँ का स्प्रिंग के प्रेशर से, ये वाला तो है ही नहीं ना यहाँ पर, तो स्प्रिंग अभी लगा ही नहीं है, ठीक देखो ये आ रहा है, तो ही वो काम करेगा, फ्री जितना रहेगा तभी तो हल्का सा मूवमेंट काम करेगा। ये है दोस्तों जुकी की 782 है ना, मशीन काफ़ी अच्छी है, पार्ट्स काफ़ी अच्छे लगे इसके मेरे को, और मशीन में क्वालिटी ओरिजिनलिटी ये भी मुझे लगी, तो ऐसी मशीन को ओरिजिनल बोला जाता है। बाकी तो क्या है जुकी के नाम से लोग काफ़ी कुछ करते रहते हैं, तो सामने पड़ी है पर मुझे डाउट है उसमें, पर ये बेस्ट है। ये हमने ऊपर का कवर जो होता है इंस्टॉल कर दिया, इसके साथ में ये भी हमको सेटिंग करना पड़ता है। अभी मैं देखो ये मेरी मशीनें बराबर घूम रही है, ये भी मैं घुमाऊंगा तो ये देखो हो रहा है प्रॉपर हो रहा है, तो ये सब हाथ से घूमना ना चाहिए, तो मतलब ये समझो कि ये सीधा है, बढ़िया है, उससे गैर ख़राब नहीं होता। ये जो कि 782 781 782 सब ये सीरीज से लगभग सेम रहती है, बस पावड़े छोटा बड़ा होता है, छोटे मोटे फीचर होते हैं, अभी मॉडल से ज़्यादा फर्क नहीं होता है, जो 781 सीरीज है 780 सीरीज है उसमें। अगर ये हाथ से घूम रहा है और ये आसानी से घूम रहा है तो ये समझ जाओ कि आपका ये इंस्टॉलेशन प्रॉपर है, और ये प्रॉपर अगर आपने टाइट है
तो आपका अंदर का जो ब्रास का गेयर है वो भी कटेगा, प्लस यहाँ पे भी आपके कटिंग होंगी। तो ऐसे कई बार हमारे पास ख़राब हुई ऐसी चीज़ें आती है, वो लोग क्या होता है मैकेनिकल प्रॉब्लम की वजह से वो प्रॉब्लम्स होता है। अगर आपने प्रॉपर इंस्टॉल किया है या उसमें गलत है तो उसको सही नहीं किया है। देखो ये बटन ये जो है ये इनको तभी खुलना चाहिए जब बहुत ज़्यादा रेयर हमने गेयर को जैसे बदलाव कर रहे थे, तो इनकी सेटिंग को आउट नहीं करना, लेकिन इनको मिलाने में दिक्कत जाती है, बहुत हिसाब से मिलाना पड़ता है, आसान नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें उससे गेयर, देखो मशीन रुकती नहीं है बट लेकिन गेयर है पार्ट्स है, अगर वो घिस रहा है घस के चल रहा है तो प्रॉब्लम तो आनी है ना। तो दोस्तों ये है, हमने कर दिया है, अब बाकी का और देखते हैं इसको। मैं सोच रहा हूँ इसका सारा वीडियो जितना हो सकता है बना सकते। दोस्तों ये देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे रबर भी डाल दिया है खोल के, ये कैम खोल लिया हमने, ये देखो साफ भी कर लिया इसको और सब ओके करके डाल दिया है। अब हम इसको लगा देते हैं, लगभग इसका सभी काम हो गया है। अब इसका शटल बहुत क्लियर है, बहुत ज़्यादा प्ले है, फिर भी देखते चला के, नहीं तो फिर नया डालेंगे। मैं क्या करूँगा, यहाँ का एक नट खोले नहीं, उन लोगों ने निकाल लिए थे पार्ट। क्या करेंगे, ये रख दिया, गोली रख दिया, गोली रखने के बाद में हमको ये स्प्रिंग सिंपल दोनों छोर को पहले डालिए और इसको दबा दीजिए, एकदम बिल्कुल परफेक्ट बैठ गया। मैं आपको दिखाता हूँ है, ये देखिए ये रखिए बराबर है, अभी मैं बताऊँगा कैसा ये पोजीशन एकदम आ जाएगा परफेक्ट। तो हम इसको किसके अंदर डालेंगे, और ज़्यादा कुछ लगता नहीं है, थोड़ा सा दिमाग से ये ज़्यादा ऐसा लगता है, इधर से बैठा ये एकदम परफेक्ट ये हो गया। एक्चुअल में यहाँ पे फ्लैट और पतले नट होते हैं, थोड़ा तो घूम सकता है इससे पहले दोस्तों, देख रहे हैं ये गड्ढा दिख रहा है, ये बराबर फंस रहा है। अब मैं यहाँ से ये हैंडल को पीछे करूँगा, हो गया। अब ये स्टॉक होने के बाद में देखो सुई का पोजीशन, ये जो टेकअप लीवर है ना ऐसे ऊपर है, मुझे ये डाउन नहीं जाना चाहिए स्टॉक। अभी देखो सुई ऊपर है, बार भी ऊपर है, हमारा सुई ऑटोमेटिक ऊपर हो जाएगा, ये हो गया सही स्टॉक। अगर इसमें स्प्रिंग अगर लूज रहेगा, स्प्रिंग अगर पिले आ जाएंगे, स्प्रिंग छोटी हो जाएंगी, तो हमारी कहीं जगह में पोजीशन ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो अभी तो खैर स्प्रिंग समझो लास्ट पोजीशन में है, वो यूज हो सकता है। दोस्तों सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और नेक्स्ट वीडियो में देखिए इसके आगे का वीडियो, आपको कंटिन्यू तीन भागों में पूरा सेटिंग मिलेगा ये मॉडल का वीडियो।